नमस्कार। आज हम इस वीडियो के माध्यम से राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल से अनुमोदित श्री वैष्णव पॉलिटेक्निक कॉलेज इंदौर में मैकेनिकल एवं संबंधित ब्रांचेस थर्ड सेमेस्टर ऑटोमोबाइल मैकेनिकल प्रोडक्शन डिप्लोमा स्टूडेंट्स को पढ़ाए जाने वाले काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन विषय के अंतर्गत बेसिक डेफिनेशंस या मूलभूत परिभाषाओं के बारे में जानेंगे। इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स या उद्देश्य हैं कि इस वीडियो को देखने के उपरांत विद्यार्थी समझ सके कि काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन विषय के अंतर्गत कौन कौन सी मूलभूत परिभाषाएं हैं। यह अंडरस्टैंडिंग लेवल पर होगा। इसमें जो की कॉन्सेप्ट कवर किए गए हैं वो मूलभूत परिभाषाएं या बेसिक डेफिनेशंस और मशीन के बारे में जाना जाएगा। कृपया इस मेन वीडियो सोर्स यूआरएल को देखें जो कि कॉमन क्रिएटिव्स के अंतर्गत गगन बंसल द्वारा बनाया गया वीडियो है। यह वीडियो लगभग 31 मिनट का है, लेकिन हमें बेसिक डेफिनेशन समझने के लिए प्रारंभ के 5 मिनट तक ही इस वीडियो को देखना है। बेसिक डेफिनेशंस में हम देखें तो थ्योरी ऑफ मशीन के बारे में सबसे प्रथम हम पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम देखें कि थ्योरी ऑफ मशीन में बहुत सारी ब्रांचेज हैं और ये जितनी भी ब्रांचेज हैं ये सभी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें कि अध्ययन किया जाता है। किस चीज का, ये देखें आप। सर्वप्रथम थ्योरी ऑफ मशीन में अध्ययन किया जाता है कि मशीन के विभिन्न अवयवों के मध्य होने वाले रिलेटिव मोशन या सापेक्ष गति का तथा उन पर लगने वाले बल और उनके प्रभाव का। तो इस प्रकार हम थ्योरी ऑफ मशीन को जो डिफाइन करेंगे उसको बोलेंगे कि इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन वेरियस पार्ट्स ऑफ मशीन एंड फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट्स ऑन देम। तो यहां पर दो मुख्य हिस्से हैं, पहला रिलेटिव मोशन, दूसरा फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट्स। इसके आधार पर हम थ्योरी ऑफ मशीन को पुनः दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, जिसमें पहला है काइनेमेटिक्स, दूसरा है डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स में हम देखेंगे कि यहां पर जो अध्ययन किया जाता है मशीन पार्ट्स के मध्य होने वाले रिलेटिव मोशन का, जिसमें कि वेलोसिटी या एक्सेलरेशन वेग या त्वरण का अध्ययन हम करेंगे, जबकि डायनेमिक्स के अंतर्गत हम फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट्स का अध्ययन करेंगे। पुनः डायनेमिक्स को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, पहला हिस्सा है स्टेटिक्स और दूसरा है काइनेटिक्स। स्टेटिक्स में हम जो अध्ययन करेंगे बल और तथा उसके प्रभाव का, वो तब करेंगे जबकि वस्तु हमारी विराम अवस्था में हो या रेस्ट पर हो। सिविल स्ट्रक्चर्स जो भी होते हैं वो सभी स्टैटिक्स के अंतर्गत आएंगे, जबकि मैकेनिकल ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट्स जो हैं जैसे ऑटोमोबाइल है वो काइनेटिक के अंतर्गत आएगा, क्योंकि वस्तु हमारी जो है वो मोशन में है। इस प्रकार हमने देखा थ्योरी ऑफ मशीन में कि थ्योरी ऑफ मशीन में जितने भी इसके अवयव हैं काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स, स्टैटिक्स और काइनेटिक्स, ये सभी ब्रांचेज हैं साइंस की जिसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। मुख्यतः रिलेटिव मोशन, काइनेमेटिक्स, फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट्स, डायनेमिक्स। इफ बॉडी इज इन रेस्ट दिस इज कॉल्ड स्टैटिक्स एंड इफ बॉडी इज इन मोशन दिस इज नोन एज काइनेटिक्स। अब यहां पर आप कुछ समय के लिए इस वीडियो को पॉज करें तथा सोचें कि व्हाट इज मशीन। आप अपनी कॉपी पर भी नोट कर सकते हैं। उम्मीद है आपने कुछ मशीन के बारे में सोचा होगा और उसकी अपनी नोटबुक पर लिखा होगा। अब हम देखें कि मशीन क्या है। मशीन के बारे में हम देखें तो बेसिक डेफिनेशन ऑफ मशीन, सबसे पहला प्रश्न हमारे दिमाग में यही आता है कि मशीन जो है वो एक डिवाइस है जो कि ह्यूमन बीइंग या मनुष्यों के लिए है, उनके द्वारा किए गए प्रयासों को कम करने के लिए। मशीनें मदद करती हैं मनुष्यों को उनके द्वारा किए जाने वाले प्रयासों को कम करके। द्वितीय, आपने सोचा होगा कि थोड़ा सा टेक्निकल, कि यदि हम बोलें कि यह ऐसी डिवाइस है जो कि किसी भी प्रकार की उपलब्ध ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदले, जैसे कि फैन। फैन हमारा जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है। पुनः हम देखें कि ऐसी डिवाइस जो कि उपलब्ध मैकेनिकल एनर्जी को यूजफुल वर्क में बदले, जैसे आप देखें सिलाई मशीन, जो कि सिलाई मशीन को हम रोटेट करते हैं, चलाते हैं, उसके पश्चात जो मैकेनिकल एनर्जी है उसके द्वारा हम कपड़े सिल सकते हैं। टेक्निकली या एग्जैक्टली हम इसको डिफाइन करते हैं, एक असेंबली है ये रिजिड और असिस्टेंट बॉडीज की टू ट्रांसमिट कंप्लीटली और सक्सेसफुली कंस्टेंट रिलेटिव मोशन। थोड़ा लेंदी है बट हम इसको और जानेंगे।
अभी मुख्यतः देखें कि हम रिजिड और असिस्टेंट बैटरीज का संयोजन है जिसका मुख्य उद्देश्य कंप्लीटली या सक्सेसफुली कंस्टेंट रिलेटिव मोशन को ट्रांसमिट करना है। यहां पर हम देखें कि मशीन किस प्रकार से काइनेमेटिक लिंक्स से जुड़ी हुई है। तो मशीन जो है वो संयोजन है एक या एक से अधिक मैकेनिज्म का। मैकेनिज्म जो है वो काइनेमेटिक चेन की किसी भी एक लिंक को फिक्स करके प्राप्त किए जाते हैं, जबकि काइनेमेटिक चेन जो है वो काइनेमेटिक पेयर से मिलकर के बनी होती है और काइनेमेटिक पेयर्स मिलकर के बने होते हैं काइनेमेटिक लिंक्स से। इस प्रकार हमने मशीन के बारे में जाना कि इसमें काइनेमेटिक लिंक, काइनेमेटिक पेयर, काइनेमेटिक चेन, मैकेनिज्म देन मशीन मिलती है। यहां पर हम देखें कि रेसिस्टेंट बॉडी या रिजिड बॉडी क्या होती है। तो रिजिड बॉडी जो होती है शाफ्ट या बोल्ट, इनके बारे में आप देखते हैं जब भी इन पर कोई भी लोड आता है तो हमें इसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं दिखता है, तो इसको हम बोलते हैं रिजिड बॉडी विच रिटेन इट्स शेप। जबकि रेसिस्टेंट बॉडी, इसमें आप नेग्लिजिबल डिफॉर्मेशन पाते हैं। एग्जाम्पल देखें, आप स्प्रिंग कंप्रेस होती है या एक्सपांड होती है, बेल्ट पुल होता है या एक्सटेंड होता है या कॉन्ट्रैक्ट होता है, जबकि ऑयल हाइड्रोलिक इक्विपमेंट्स में। तो ये हमारी रेसिस्टेंट बॉडीज हैं, जब भी इन पर फोर्स को ट्रांसमिट किया जाता है तो ये अपना शेप कुछ समय के लिए परिवर्तित करती हैं परंतु पुनः अपनी स्थिति में आ जाती हैं। इस प्रकार हमने देखा कि एक लिंक जो अवयव जो है वो रिजिड हो या आवश्यक नहीं, बट इसका रेसिस्टेंट बॉडी होना आवश्यक है, तभी यह मशीन में उपयोग में आएगा। अब हम कंस्टेंट रिलेटिव मोशन की बात करें, पहले हम देखें मोशन को हम बोलेंगे सिंपली भाषा में कि एक ऑटोमोबाइल रोड पर मूव हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे ऑटोमोबाइल इज इन मोशन। जबकि रिलेटिव मोशन की बात करें तो हम यहां पर देखें कि यदि दो मित्र आपस में एक ही वाहन दो मित्र आपस में दो वाहन चला रहे हैं तो हो सकता है उनमें से एक आगे चल रहा हो, दूसरा पीछे चल रहा हो, तो इसको हम सापेक्ष गति या रिलेटिव मोशन से जानेंगे। कंस्टेंट रिलेटिव मोशन ऐसा नहीं, बल्कि कंस्टेंट होना चाहिए, बंधनकारी होना चाहिए उपयोगी कार्य प्राप्त करने के लिए। तो यहां पर तीन डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। इनकम्प्लीट कंस्टेंट रिलेटिव मोशन, आप देखें कि यदि कोई एक सर्कुलर होल है और उसमें हम सर्कुलर बार को डालें तो उसमें मोशन जो होते हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो वो रेसिप्रोकेट कर सकती है या फिर वो रोटेट कर सकती है, तो इसको हम इनकम्प्लीट बोलेंगे। जबकि कंप्लीट मोशन में इसी सिचुएशन में हम सर्कुलर होल को स्क्वायर होल से रिप्लेस कर दें और बार को स्क्वायर बार से करें तो बार जो होगी वो केवल एक ही मोशन होगा, बंधनकारी मोशन होगा, कंप्लीटली होगा कि वो केवल टू एंड फ्रो कर सकती है, आगे पीछे हो सकती है स्क्वायर होल में। जबकि सक्सेसफुली में हम देखें तो सक्सेसफुली के अंतर्गत हम पाएंगे कि यहां पर जो बंधनकारी रिलेटिव मोशन मिलता है वो किसी दूसरे कंपोनेंट के द्वारा मिलता है। यहाँ पर एग्जांपल में देखें कि स्लाइडिंग मोशन पिस्टन का जो सिलेंडर में होता है वो हमें मिलता है क्रैंक के रोटेशन के द्वारा। इस प्रकार अब हम मशीन के बारे में समझ चुके हैं कि रिजिड बॉडी का कॉम्बिनेशन है और इसका मुख्य उद्देश्य है ट्रांसमिट करना कॉन्स्टेंट रिलेटिव मोशन। मशीन और लिंक किस प्रकार से कनेक्टेड है ये देखिए। सर्वप्रथम काइनेमेटिक लिंक विच इज अ रिजिड और रेसिस्टेंट बॉडी, इसके बाद बनता है काइनेमेटिक पेयर जो कि काइनेमेटिक लिंक्स से मिलकर के बनता है। काइनेमेटिक पेयर्स मिलकर के बनाते हैं काइनेमेटिक चेन, और काइनेमेटिक चेन की यदि हम एक लिंक को फिक्स कर दें तो उससे हमें मैकेनिज्म या उसके इन्वर्जन्स मिलते हैं। एक या एक से अधिक इन्वर्जन्स मिलकर के हमें बनाते हैं मशीन। तो इस प्रकार हम देखें कि हाउ मशीन वर्क्स, इससे मूलभूत परिभाषाएं क्या क्या हैं। अभी हमने सिर्फ मशीन और थ्योरी ऑफ मशीन की परिभाषाओं को जाना है, अगली क्लास में हम जानेंगे कि काइनेमेटिक लिंक्स और पेयर्स क्या होते हैं। धन्यवाद।